दोस्तों अगर आप होंडा एलिवेट खरीदने जा रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि उसी बजट में आपको एक अच्छी कार मिले जिसके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिले और सेफ्टी में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ वो गाड़ी आपको मिले तो कैसा रहेगा। चलिए मैं बात कर रहा हूँ टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट की। जी हाँ दोस्तों, नेक्सॉन फेसलिफ्ट पेट्रोल इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन में टॉप वेरिएंट जिसका नाम है वेयरलेस प्लस। मॉडल की प्राइस इंडियन मार्केट के अंदर 13.50 लाख रुपीज के करीब एक्स ओरविन दिल्ली रखा गया है, जहां पे रिसेंटली होंडा मोटर्स ने भी अपनी एक नई मिड साइज एसयूवी कार इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया, जिसका नाम होंडा एलिवेट के नाम से लॉन्च किया गया है, जिसके सेकेंड टॉप वेरिएंट VX की मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस 13.50 लाख रुपीज के करीब एक्स ओरूम दिल्ली रखा गया है। यानी कि टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट का पेट्रोल वेरिएंट टॉप मॉडल और होंडा के सेकेंड टॉप मॉडल यानी कि VX वेरिएंट जो कि एकदम सेम प्राइस के साथ इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन क्या आपको पता है कि होंडा एलिवेट से ज्यादा आपको टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन स्पेस के मामले में होंडा एलिवेट आगे है। चलिए आज डिटेल में बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों को। अगर सेम प्राइस में आप खरीदना चाहते हो, अगर आप टॉप मॉडल खरीदने जा रहे हो टाटा नेक्सॉन की, तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका मन थोड़ा सा बदल सकता है और आप शायद एक अच्छी कार परचेस कर पाएंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कार रिव्यू। दोस्तों क्या हाल चाल है आपके और आप इस ऑटोविल चैनल को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हो, ये कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको थैंक्स कह सकूं। दोस्तों कॉम्पेरिजन करने से पहले दोनों कारों का नाम बता दूं और वेरियंट बता दूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर कॉम्पेरिजन किया जा रहा है टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट का टॉप मॉडल जो कि पेट्रोल मॉडल के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, लेकिन सामने रखा गया है होंडा एलिवेट का VX वेरिएंट जो कि सेकेंड टॉप मॉडल है पेट्रोल मॉडल के साथ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के बीच डायमेंशंस को लेकर। तो लेंथ में नेक्सॉन फेसलिफ्ट की लेंथ रखी गई है 3995 mm के करीब, जबकि होंडा एलिवेट की लेंथ रखी गई है 4312 mm के करीब। लेकिन लेंथ में देख सकते हैं होंडा एलिवेट थोड़ी सी आगे निकल कर आ जाती है। ब्रेथ की बात करते हैं तो नेक्सॉन फेसलिफ्ट की ब्रेथ रखा गया है 1804 mm के करीब, जबकि होंडा एलिवेट की ब्रेथ रखी गई है 1790 mm के करीब। हाइट की बात करते हैं तो नेक्सॉन फेसलिफ्ट के अंदर 1620 mm के करीब आपको हाइट देखने को मिलेगी, जबकि होंडा एलिवेट के VX वेरिएंट के अंदर 1650 mm के करीब आपको हाइट देखने को मिलेगा। अगर ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करते हैं तो नेक्सॉन फेसलिफ्ट के अंदर 208 mm के करीब ग्राउंड क्लीयरेंस रखा गया है, जबकि होंडा एलिवेट के अंदर 220 mm के करीब आपको ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलेगा। बिलवेज के मामले में नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2498 mm के करीब रखा गया है, जबकि होंडा एलिवेट का बिलवेज आपको 2650 mm के करीब देखने को मिलेगा। बूट स्पेस के मामले में टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के अंदर 382 लीटर का बूट स्पेस दिया जाता है, जबकि होंडा एलिवेट के अंदर 458 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। तो डायमेंशंस के हिसाब से होंडा एलिवेट टाटा नेक्सॉन से कई कदम आगे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों गाड़ियों में से कितना बड़ा डिफरेंट रखा गया है, और होंडा एलिवेट को यहाँ पे थोड़ा सा आगे होना भी चाहिए, क्योंकि होंडा एलिवेट एक मिड साइज एसयूवी कार के अंदर आता है, लेकिन टाटा नेक्सॉन एक 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर आता है। तो होंडा एलिवेट अगर आप खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाएगा और अच्छा खासा उसके अंदर डायमेंशंस भी देखने को मिल जाएगा। डायमेंशंस के हिसाब से इंटीरियर का स्पेस आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, और बूट स्पेस के मामले में भी होंडा एलिवेट थोड़ी सी आगे निकल कर चली जाती है। तो स्पेस के मामले में थोड़ा सा ज्यादा आपको लगाव है कि स्पेस आपको गाड़ी के अंदर अच्छा चाहिए तो होंडा एलिवेट के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर इंजन की बात करते हैं तो वेरियंट के हिसाब से टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के अंदर 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो कि 118 bhp के करीब पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि सामने होंडा एलिवेट के अंदर 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जो कि 119 bhp के करीब पावर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंजन के मामले में भी टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट थोड़ी सी पीछे रह जाती है। लेकिन अगर माइलेज की बात कर लेते हैं तो टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के अंदर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो इंजन आपको 17.4 kmpl के करीब माइलेज दे देगी, जबकि होंडा एलिवेट के अंदर 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 15.3 kmpl के करीब आपको माइलेज दे देगी। तो सेम बजट में आपको दो इंजन देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट लेते हैं तो उसके अंदर आपको 1.2 लीटर टर्बो इंजन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप होंडा एलिवेट के साथ जाते हैं
तो सेकेंड टॉप मॉडल आपको 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर माइलेज थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, लेकिन 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों वहीं आप अगर बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में, तो दोनों गाड़ियों के पहले जो कॉमन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको LED हेडलैम्प्स का सेटअप दिया गया है, LED DRLs का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक ORBMs दिए जाते हैं एडजस्टेबल के साथ, और इलेक्ट्रिक सनरूफ का भी ऑप्शन दोनों गाड़ियों के अंदर ऑफर किया गया है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि होंडा एलिवेट के अंदर भी टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट वाला ही सनरूफ देखने को मिलेगा, यानी छोटा सा ही सनरूफ दिया गया है। और इसके अलावा दोनों गाड़ियों के अंदर शार्क फिन एंटीना ऑफर किया गया है, रियर वाइपर एंड रियर रिफोगर जैसे बेहतरीन फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के अंदर आपको सिक्वेंसी इंडिकेटर दिया जाता है, जो कि आपको होंडा एलिवेट के अंदर देखने को नहीं मिलता, और होंडा एलिवेट के अंदर आपको 17 इंच के करीब एलॉय व्हील्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहां टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के अंदर आपको 16 इंच के करीब एलॉय व्हील्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, और मिड साइज SUV के अंदर आपको 17 इंच के करीब एलॉय व्हील्स दिया गया। तो यहां पे होंडा एलिवेट थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी और ऊंची ऊंची सी गाड़ी दिखती है। फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर आपको टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के अंदर दिया गया है, लेकिन होंडा एलिवेट के अंदर केवल आपको रियर पार्किंग सेंसर ही ऑफर किया गया है। वहीं दोस्तों आप बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर फीचर्स के बारे में, जहां पे कॉमन फीचर्स के मामले में दोनों गाड़ियों में आपको स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल दिया गया है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 40-60 रियर सीट, वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग, एयर प्यूरिफायर, कनेक्टेड कार फीचर, रियर AC वेंट जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स दोनों गाड़ियों के इंटीरियर में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के अंदर 10.25 इंच के करीब टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया जाता है, जहां आपको VXI होंडा एलिवेट के अंदर आपको 8 इंच के करीब आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। लेकिन टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के अंदर 10.25 इंच के फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जाता है, जिसके अंदर कई सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन होंडा एलिवेट के अंदर सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। इसके अलावा टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के अंदर 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट, रियर AC वेंट, क्रूज कंट्रोल, लेदर सीट, कोल्ड स्टोर्स ग्लव बॉक्स जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन होंडा एलिवेट के अंदर केवल रियर कैमरा का ऑप्शन ही देखने को मिलता है, ना ही वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ना ही रियर आर्मरेस्ट दिया गया, ना ही क्रूज कंट्रोल दिया गया, ना ही लेदर सीट ऑप्शन देखने को मिलता है, और ना ही आपको कोल्ड स्टोर्स ग्लव बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है VX वेरियंट के अंदर। लेकिन अगर वहीं सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो दोनों गाड़ियों के बीच यहां बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहले टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, लेकिन होंडा एलिवेट का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के अंदर बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां होंडा एलिवेट के VX मॉडल के अंदर डुअल एयरबैग का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर कॉमन फीचर्स की बात कर लेते हैं, ही लॉन्च असिस्टेंट फीचर्स दोनों गाड़ियों के अंदर दिया गया है, आइसोफिक्स चाइल्ड लॉक्स जैसे बेहतरीन फीचर्स भी दोनों गाड़ियों के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा ABS के साथ EVD, TPMS, इलेक्ट्रॉनिक असेबिलिटी कंट्रोल जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अब बात आती है दोनों गाड़ियों में से आप कौन सी गाड़ी को परचेस करें। अगर आपको सेफ्टी से ज़्यादा प्यार है, अगर आप एक अच्छी माइलेज वाली कार की तरफ जाना चाहते हैं और जिसके अंदर आपको भरपूर फीचर्स देखने को मिले, तो आप टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जिसके अंदर अच्छा खासा स्पेस चाहिए और सेफ्टी में अच्छी खासी गाड़ी चाहिए और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में सबसे बेहतरीन कार चाहिए, तो आप होंडा एलिवेट के साथ जा सकते हैं, क्योंकि होंडा एलिवेट के अंदर जो 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, वो काफ़ी साइलेंट और काफ़ी ज़्यादा ड्राइविंग एक्सपीरियंस में माशाल्लाह, यानी आप जैसे ही पंजा दबाओगे आपकी गाड़ी बहुत ही तेज और बहुत ही स्मूथ भागने वाली है। तो होंडा एलिवेट यहाँ पे थोड़ी सी आगे निकल कर चली जाती है। लेकिन अगर आप टाटा नेक्सॉन के साथ जाते हैं, तो उसके अंदर आपको छोटा सा इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 3 सिलेंडर के साथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा डिफरेंट रखा गया, एंड दोनों चॉइस के हिसाब से आपके कार रखा गया। लेकिन डिजाइन और लुक्स वाइज में आपको जो कारें अच्छी लगी, वो कार आप परचेज कर सकते हैं। जैसे कि होंडा एलिवेट का जो फ्रंट डिजाइन रखा गया, वो थोड़ा सा बॉक्सी टाइप का रखा गया, लेकिन टाटा नेक्सॉन का जो फ्रंट फेसिया रखा गया, काफ़ी खूबिया और काफ़ी डेंजरस लुक के साथ रखा गया है। तो जिसका लुक आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगे, आप उस कार को परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेस अच्छा चाहिए, तो आप होंडा एलिवेट के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप अपनी तरफ से लाइक भी ज़रूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।